फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स वो लॉज होते थे कि जिनका कोई प्रूफ नहीं है अपने पास, लेकिन उनके बेसिस पे पूरी फिजिक्स डिपेंडेंट है, उनको हम लोग मान के चलते हैं और वो हर जगह वैलिड है, कहीं वो फेल नहीं होते, उनको हम लोग फंडामेंटल लॉज बोलते थे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके ऊपर, जिनको बेस मानते हुए या जिनको आधार मानते हुए हम लोग बाकी दुनिया की सारी क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपको शुरू में ही मानना ही पड़ेगा कि भाई ये कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को तो पहले से हम मान के चलते हैं और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं आप उनको डिराइव कर सकते हो। मतलब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके आप दुनिया की कोई भी क्वांटिटी को लिख सकते हो। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7। इसके अलावा, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी जो आप पढ़े हुए पूरी जिंदगी में, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी? वो आ जाएंगी डिराइव्ड की कैटेगरी में। तो इसका मतलब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली 7 जो है वो याद कर लो, इनके अलावा जितनी भी है वो किस कैटेगरी में है? डिराइव्ड की कैटेगरीज में। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है कौन कौन सी वो देखते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, ठीक। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, फिर है टाइम, फिर है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फिर है आपका टेम्परेचर, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 5 हो गई। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में तुमने मोल पढ़ा था शायद थोड़ा बहुत, ये उससे रिलेटेड है। और लास्ट एक क्वांटिटी है जिसको आप लोग इस क्लास के एंड में पढ़ोगे चैप्टर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आपको बच्चों ये खाली नेम याद रखने हैं कि कौन कौन से हमारे पास 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो ये उनके नाम है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हमें पढ़ना है अपने लाइफ में वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगी बताइए? डिराइव्ड क्वांटिटीज में। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वांटिटी, जैसे नाम तुम सोचो, जैसे एरिया, भाई डिराइव्ड में आएगी, वॉल्यूम डिराइव्ड में आएगी, स्पीड डिराइव्ड में आएगी, कैसे आएगी डिराइव्ड में अभी देख लेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन डिराइव्ड में आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिराइव्ड में आ जाएगी, और कौन कौन सा तुमने पढ़ा बताओ, फोर्स, चार्ज, वर्क, प्रेशर, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पावर, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज तुम्हारे दिमाग में आ सकती हैं वो सब, इन 7 के अलावा जितनी भी तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं वो सब कौन सी क्वांटिटीज है बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटीज। बात समझ में आती है आपको? पहले तो ये बताइए क्या ये टॉपिक क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटीज को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब जिनको हम आधार मानते हुए, बेस मानते हुए दुनिया की सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। टेल मी स्टूडेंट्स, चैट पे बताइए यस और नो क्लियर है या नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे, और डाउट है तो पूछो। अभी रुक जाओ, कृष्ण गुप्ता आ रहे हैं, उस पर यूनिट्स अभी मैंने बताया ही नहीं, तो सप्लीमेंट्री में कहां से पहुंच गया? अभी मैंने यूनिट की बात करी ही नहीं, अभी तो खाली क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, यूनिट कहां बताया अभी मैंने? यूनिट अभी कहां बताया मैंने? अभी तो खाली क्वांटिटी की बात करी, ठीक है, आएंगे अभी, धीरे धीरे वेट करो। ठीक है, तो यहां पर हमने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से देखो,
अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ कैन वी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आर प्री डिटरमिंड सेट ऑफ क्वांटिटीज, प्री डिटरमिंड सेट ऑफ 7 क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिराइव द अदर फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज वो 7 प्री डिटरमिंड क्वांटिटीज हैं जिनको आधार मानते हुए, जिनको बेस मानते हुए हम लोग बाकी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं. A quantity which can be measured and in terms of which the physical laws are described, उसको भी physical quantity हम लोग fundamental quantity बोल सकते हैं. अच्छा physical quantity पूछ रहे हो, मुझे लगा fundamental quantity पूछ रहे हो. Physical quantity वो quantities हैं जिनके form में किसी भी हम physics के law को समझ सकते हैं. Physical quantities वो हैं जिनके terms में हम किसी भी physics के law को समझ सकते हैं, उसको हम लोग physical quantities बोल देंगे. ये जो हमारा क्लास चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह लिखने को नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है. इसमें कंसेप्ट्स बताऊंगा ये और क्वेश्चंस करवाऊंगा. 11th और 12th में बहुत फर्क है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. डिफाइन विफाइन ये सब मैं आपको अलग से नोट्स दूंगा, उसमें लिखे हुए होंगे पहले से, ठीक है, वो आप याद करिएगा. बट क्लास में मैं डेफिनेशन वेफिनेशन प्रॉपर लिखवाऊंगा नहीं 10th के हिसाब से कि डिफाइन ये और डिफाइन वो, ठीक है. कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, समझिएगा ध्यान से. पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्टडी का, ठीक है. वो जो आपको याद करना है, जो आपको याद करना होगा कॉन्सेप्ट्स लिखने के लिए, एग्जाम में कैसे लिखना है, उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे. बट अभी एक्सप्लेनेशन चलेगा क्लास, ये जो क्लासेस होगी इसमें एक्सप्लेनेशन चलता है. इसमें डेरिवेशंस वगैरह के लिए अलग से आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपको लिखना है पेपर में, एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा. लेकिन अभी तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ठीक है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा यूनिट्स है, ठीक है. यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग कि भाई क्या है यूनिट, क्या चीज है. हाँ नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, जो लिख रहा हूं ये वाले पीडीएफ सेंड हो जाएगी आपके ग्रुप में. तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स की. यूनिट्स क्या चीज है, आपको पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप लिखते हो तो आप क्या करते हो. जैसे मान लो आपसे कहा गया एरिया लिखना है, तो आप लिखते हो 10 मीटर स्क्वायर. मान लो तो पहले एक तो एक नंबर लिखते हो जिसको आप लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू, और साथ में उसके लगा हुआ होता है उसका यूनिट, ठीक है. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसको अगर हम क्यू बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग क्यू बोल रहे हैं, तो हम एन इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू एन यू. एन मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड, और यू मतलब उसका यूनिट, मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊं, 5 मीटर स्क्वायर या फिर 10 न्यूटन, ठीक है. तो ये जो हो गया, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया इसका यूनिट. ये हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है. तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं बताई हमने इसमें, ठीक है. तो ये आपको पता है. इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की. बच्चों ध्यान से देखिए, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की. ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में. सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज है भाई, होता क्या है. ऐसे समझो, मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ. जैसे मान लो ये यूपी है, ठीक है. तो यूपी में तुमने देखा होगा जो प्रॉपर्टी वगैरह की बात करी जाती है कि भाई एरिया कितने का, ये जो प्लॉट है ये कितने गज का प्लॉट है, ये वर्ड तुमने सुना होगा ना. ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ बहुत कॉमनली आप लोग सुनने होंगे इस बात को कि भाई ये जो जमीन है या ये जो प्लॉट है ये कितने गज का प्लॉट है. यस और नो,
ये सुना है बहुत कॉमन सा एक स्टेटमेंट है, ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई वो प्रॉपर्टी मुझे खरीदना है, तो बोलते हैं हाँ हाँ चलो देखने चलते हैं, तो फिर जो बेच रहा होता है उससे पूछा भाई कितने गज का प्लॉट है, तो बोलता है 100 गज का प्लॉट है या 200 गज का प्लॉट है, कुछ भी। तो अब जो यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, इसको मैं समझाता हूँ, बात समझना ध्यान से। ये जो गज का जो वर्ड यूज हुआ कि कितने गज का प्लॉट है, एक्चुअल में गज क्या है भाई, मान लो एक प्लॉट है हमारे पास, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो तुम इसका क्या मेजर करोगे, एरिया ही तो मेजर करोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मीटर स्क्वायर में पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर तुमने देखा होगा स्क्वायर फिट लिखा हुआ होता है कि फॉर सेल, बेसमेंट फॉर सेल 1000 स्क्वायर फिट बोर्ड लगा हुआ होता है, ये जगह ये प्लॉट बिका हुआ इतने स्क्वायर फिट का या इतने गज का, ये सब तुमने देखा है लिखा। तो अब यहां यूपी में जो लोकल लैंग्वेज में जो बात हो रही है वो गज की बात हो रही है, तो भाई गज क्या यूनिट है एक्चुअल में गज। अब इतना तो तुम्हें अंदाजा हो चुका है कि भाई ये जो बात कर रहा है ये एरिया को डिटरमाइन करने के लिए एक यूनिट यूज हो रहा है यहां पर यूपी में गज, ठीक है। लेकिन यही अगर तुम किसी दूसरे स्टेट में चले जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बिहार की बात करूं, तो बिहार में एरिया के लिए क्या यूज होता है, गज यूज नहीं होता है, वहां पर यूज होता है कट्ठा, कट्ठा यूज होता है। जैसे यहां गज बोला जाता है ना, इतने गज का प्लॉट है, तो वहां पर जो एरिया मेजर किया जाता है वो एक अलग क्वांटिटी में मेजर किया जाता है, जिसको बोलते हैं कट्ठा, कितने कट्ठा है ये जमीन, कितने कट्ठे की, ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता है। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज चेंज हो रही है बच्चों, यूपी अलग स्टेट है, बिहार अलग स्टेट है, वैसे ही तुम देखो किसी क्वांटिटी को मेजर करने का यूनिट बदल गया। एरिया यूपी में गज में नापा जा रहा है, लेकिन बिहार में वही चीज दूसरे किसी यूनिट में नापी जा रही है। समझ में आ रही बात? और अगर तुम दिल्ली वैली में जाओगे, मतलब जो जो फ्लोर्स वगैरह जो शॉपिंग फ्लोर्स होते हैं वो जो सेल करते हैं, तो वो ना गज यूज करेगा ना वो कट्ठा यूज करेगा, वो एक और स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेगा, भाई 1000 स्क्वायर फिट की ये फ्लोर है, अगर आपको ये फ्लोर लेना है, ये जो बेसमेंट खाली पड़ा हुआ है ये 1000 स्क्वायर फिट का है, तो ना वो गज यूज कर रहा है ना वो कट्ठा यूज कर रहा है, वो क्या यूज कर रहा है, स्क्वायर फिट यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे जैसे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज चेंज होती है ना, तो किसी भी क्वांटिटी का यूनिट बदलता रहता है। तो ये तो बहुत मसला है। मान लो इंडिया का कोई साइंटिस्ट अगर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, किसी चीज में, उसने अपनी क्वांटिटीज को बेस मानते हुए कोई सोल्यूशन करा। अब वर्ल्ड लेवल पे अगर मान लो यूएस का कोई साइंटिस्ट आएगा, वो अगर अपनी क्वांटिटीज लेकर के सोल्यूशन करने लगे, तो दोनों के रिजल्ट तो वेरी करेंगे, क्योंकि इसने अपने क्वांटिटीज के हिसाब से, अपने यूनिट्स के हिसाब से सॉल्व करा, और इंडिया वाले ने अपने यूनिट के हिसाब से सॉल्व करा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो जब रिजल्ट्स में लोग डिफरेंस देखेंगे, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनली हम किसी एक चीज पे, कॉमन चीज पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि डिफरेंस आएगा ना, इंडिया वाला अलग तरीके से सॉल्व कर रहा है, अलग अलग यूनिट्स लिए हुए उसने, यूएस वाले ने अलग ले लिए, चाइना वाले ने अलग ले लिए, कनाडा वाले ने अलग ले लिए। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें किसी चीज पे रिसर्च करना है, तो हमारे पास पैरामीटर सबके सेम होने चाहिए, तभी तो हम एक कॉमन रिजल्ट पे पहुंच सकते। तो इसके लिए क्या किया गया बच्चों, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को खत्म करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि पूरी दुनिया एक ही तरीके पे चले, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बात समझना ध्यान से कि ये यूनिट को भाई यूनिट देखो, यूनिट का वर्ड से तुम समझ में आएगा, तुम एक तरीके से कह सकते हो, यूनिट को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, यूनिटी, यूनिटी मतलब यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सब जगह एक जैसा। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मेजरमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करा। इससे हुआ क्या, इससे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट है आपका जिसको बोला जाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है एसआई का, सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट्स, उसका जो इंडियन मतलब इंडियन क्या मतलब जो उसको इंग्लिश में लिखते हैं उसके इंग्लिश मीनिंग ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी मैं तुम्हें समझा दूंगा मतलब क्या है इसका। अगर तुम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो कर रहे हो किसी कैलकुलेशन में, तो अगर इंडिया में तुम लेंथ नाप रहे हो तो तुमको मीटर में नापना पड़ेगा, मास नाप रहे हो तो केजी में नापना करेगा, और अगर टाइम नाप रहे हो तो तुम्हें सेकंड में नापना पड़ेगा।
अब अगर कोई इंडिया में ऐसा ही सिस्टम फॉलो कर रहा है तो वो लेंथ मीटर में मेजर करेगा, मास केजी में मेजर करेगा, टाइम सेकंड में। अब अगर कोई मान लो श्रीलंका में मेजर कर रहा है और अगर वो ऐसा ही सिस्टम फॉलो कर रहा है तो वो भी लेंथ जो है किस में मेजर करेगा बच्चों, मीटर में, मास वो भी केजी में करेगा, टाइम वो भी सेकंड में करेगा। तो देखो यूनिफॉर्मिटी आ गई, दो लोग एक बात पे एग्री हो गए कि भाई ऐसा है, देखो तुम जो अपने रिसर्च वर्क करना वो ऐसा ही सिस्टम में करना और मैं भी सारी क्वांटिटीज को ऐसा ही सिस्टम में लेके चलूंगा। बात सही हो गई, ये बात हो गई। अब इंडिया वाले ने रिसर्च करी सारी एसआई में, यूएस वाले ने रिसर्च करी सारी एसआई में, उनका रिजल्ट ऑब्वियसली आराम से वो कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी सेम यूनिट्स में आएंगी। क्या आपको बात समझ में आती है स्टूडेंट्स, ये बताइए यस और नो, मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है मामला, ठीक है ना, कि लाया क्यों गया भाई आखिर, यूनिट बनाया क्यों गया, हर कोई अपना अपना लेके चलता, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक्चुअल में ये सब किया जाता है, ठीक। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट आपको मैंने बताया वो है एसआई सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। अगला सिस्टम ऑफ यूनिट होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इसमें क्या होता है, देखो लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, सी मतलब सेंटीमीटर, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, जी मतलब ग्राम, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, तो एस का मतलब हो गया सेकंड, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग सीजीएस बोलते हैं। देखो सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, राइट, और टाइम मतलब सेकंड। तो एक ये सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, आया समझ में। नेक्स्ट है हमारा एफपीएस, एफपीएस, एफ का मतलब क्या, लेंथ को मेजर करेंगे हम लोग फीट में या फुट में, बोलते हैं ना कितनी हाइट है तुम्हारी, तो तुम बोलते हो सर 5 feet 6 inches, तो फीट क्या है, लेंथ का यूनिट है, फीट में मेजर कर सकते हैं, फीट लिख सकते हो, फुट लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फीट प्लूरल है, फुट सिंगुलर है, तो फीट लिख लो। मास को तुम देखोगे पाउंड में लिखते हैं, अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये पाउंड तुमने कहां देखा होगा, केक खरीदने जाते हो बेकर की दुकान पे, बेकर हाउस या बेकर टेबल, तो वो बोलता है कि केक चाहिए, तुम बोलते हो केक दिखा दीजिए, तो बोले कितने पाउंड का चाहिए, क्या ये ऐसा हुआ तुम्हारे साथ जिंदगी में या नहीं। देखो साइंस जो है ना बेटे प्रैक्टिकल चीजें हैं बिल्कुल, जो आम तौर से तुम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे होते हो वही सब चीजें हैं ये, कितने पाउंड का केक चाहिए, तो तुम उतना पता नहीं होता कितने पाउंड का केक चाहिए, तो तुम सोचोगे कि अगर मैं पूछूंगा कि एक पाउंड कितना होगा तो बेइज्जती हो सकती है, तो तुम सोचते हो अपने आप को ज्यादा काबिल बनाने के लिए तुम बोल देते हो कि एक पाउंड का दे दो, अब तुम्हें यही नहीं पता कि कितना है एक पाउंड, ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि वहां तो तुम बहुत काबिल बनते हो, अब वहां अगर तुम बोल दोगे कि एक पाउंड में कितना केजी है कितना ग्राम, तो बेइज्जती होने का खतरा है, तो तुम जो है बर्दाश्त कर लेते हो और बोलते हो एक पाउंड का कर दो, ठीक, ऐसा होता है केक की दुकान पे, ठीक, केक की दुकान पे या बेकर्स की दुकान पे इस टाइप से, या फिर तुमने पाउंड एक और जगह लिखा हुआ देखा है, बताओ कहां, पाउंड और एक जगह कहीं लिखा हुआ तुम लोगों ने देखा है, तुम बचपन में शायद वो खेलते थे ट्रम्प कार्ड जिसमें रेसलर के वो लिखे हुए होते थे वेट वगैरह, अंडरटेकर का इतना वेट है और ट्रिपल एच का इतना है, याद आ रहा है कुछ, मतलब मुझे मन मालूम नहीं तुम लोग वो ट्रम्प कार्ड यूज खेलते थे कि नहीं खेलते थे, लेकिन मैं जब था तो हम लोग वो सब अलग अलग उसके जो होते थे रेसलर्स के ट्रम्प कार्ड आते थे, जॉन सीना और ये सब, उसके फाइट्स चेस्ट और बाइसेप्स ये सब लिखा हुआ होता था उसमें, तो उसमें वेट लिखा हुआ होता था कि 300 pounds या 250 pounds, तो तुम देखोगे वो पाउंड यूज करता था। हाँ अच्छा, अभी भी WWE में उनका वेट जो है वो पाउंड में ही अनाउंस किया जाता है, सही बात है बिल्कुल, तो ये पाउंड यहां यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये सब मैं तुम्हें रिलेट कर रहा हूँ कि ये सब चीजें तुमने देखी नहीं है, भले वो तुम्हारे माइंड में है नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ तो तुम्हें याद आ रहा है, अरे हाँ ऐसा तो होता था, ठीक। हाँ LBS भी लिखा हुआ होता, राइट, LBS भी लिखा होता, सही बोल रहे हो, LBS भी लिखा होता, सही बोल रहे हो,
ठीक है। तो ये हमारे मोटे मोटे जो है बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसमें हम लोगों को चीजों को ऐसे लिखते हैं। अच्छा तुम देखो एसआई को ना एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, एसआई को एमकेएस भी बोला जाता है, क्योंकि देखो लेंथ मीटर में, किलोग्राम का के जो है वो केजी का के है और टाइम का सेकंड है। तो जैसे सीजीएस में सीजीएस यूज कर लिया गया तो इसमें हम लोग एमकेएस भी यूज कर सकते हैं, एमकेएस भी लिख सकते हैं इसी चीज को, एसआई को एमकेएस सिस्टम। अच्छा इनका एक क्वेश्चन है कि सर सीजीएस में लेंथ मास और टाइम के अलावा भी यूनिट्स होंगी तो इनके नेम पर ही सिस्टम क्यों मिला। देखो इसका आंसर ये है बच्चों कि अभी तुम देखा कि हर जगह हम लोग लेंथ मास और टाइम ले रहे हैं, जैसे कि लेंथ को मीटर में लेंगे, मास को केजी में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे तो एमकेएस बन जाएगा, लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे, मास को ग्राम में लेंगे और टाइम को सेकंड में लेंगे तो सीजीएस बन जाएगा। तो इनका एक सवाल है कि सर ये बताइए कि मतलब लेंथ मास और टाइम ही में ऐसी क्या खासियत थी कि इन्हीं को बेसिस माना। तो एक सवाल ये बढ़िया है लेकिन उसका जवाब मैंने अभी शायद दिया था, तुमने ध्यान से नहीं सुना कि लेंथ मास और टाइम को हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है। देखो लेंथ मास टाइम हर जगह इनका यूज पड़ेगा तुम्हें क्योंकि ये फंडामेंटल है, इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं की मदद से हम बाकियों को डिराइव कर सकते हैं, इनको आधार मानते हुए ही हम बाकियों को डिराइव करेंगे, इसीलिए हर जगह हम लोग लेंथ मास और टाइम को ले रहे हैं क्योंकि वो फंडामेंटल है। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है सर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस, ये भी तो फंडामेंटल है तो इनको क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हर जगह यूज नहीं होते हुए दिखेंगे तुम्हें, ठीक है, ये हर जगह यूज होते हुए तुम्हें नहीं दिखेंगे। लेंथ मास और टाइम तुम्हें हर जगह यूज, छोटे मोटे क्वांटिटी में भी लेंथ मास टाइम के बगैर तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसलिए ऐसा है। बेसिक क्वांटिटीज तो नहीं बोलेंगे ईशान, इसको बेस क्वांटिटीज बोलेंगे, बिकॉज दीज आर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज नहीं बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। बताइए स्टूडेंट्स क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, यहां तक समझ में आ रही है आपको बात। देखो मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम लोगों का ना ट्रांसफॉर्मेशन जो 10th से 11th में होता है बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, तो अगर तेज पढ़ा दूंगा तो हालत खराब हो जाएगी तुम लोगों की, बहुत स्लो चलेगा, आराम से पढ़ाएंगे एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां तक तो आपको अच्छा, इनका एक क्वेश्चन है कि सर तीनों सिस्टम देखिए आप, उसमें टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है सब में, एसआई में भी सेकंड में लिया, इसमें भी सेकंड में लिया, इसमें भी सेकंड में लिया, तो ऐसा क्यों करा गया। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये सब जो डिफाइन किया गया कि भाई एसआई में इसको इसमें लेना है, सीजीएस में इसको इसमें लेना है या फिर एफपीएस में इसमें लेना है, तो ये कौन डिसाइड करता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी होती है इनकी यूनिट्स की, अभी मैं तुम्हें और भी बहुत सारी बातें बताता हूँ, ये इंटरनेशनल रेगुलेटरी एक बॉडी होती है पूरे दुनिया की, इसमें वर्ल्ड के अलग अलग फिजिसिस्ट और अलग अलग साइंटिस्ट की मीटिंग होती है हर थोड़े थोड़े सालों में, ठीक है, वो लोग अल्टीमेटली यूनैनिमसली ये डिसाइड करते हैं कि भाई किसको कितना रखना है और किसको क्या मानना है और किसको क्या नहीं मानना है। तो इन लोगों की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि भाई टाइम को हर में हम सेकंड में लेंगे, इसीलिए हर जगह हम सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर ऐसा चेंज हो जाए तो ऐसा सेकंड को हटा दिया जाए टाइम में से, या लेंथ को हटा दिया जाए या किसी और को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टम है इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। इनका फ्रांस वगैरह में हेडक्वार्टर होता है, जेनेवा में भी हेडक्वार्टर होता है, और इनके हर थोड़े थोड़े ईयर पे मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है इनकी इंटरनेशनल, उस पर ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग मतलब डिसाइड नहीं कर सकते, ये पहले से डिसाइडेड होता है, हम लोग उसको फॉलो करना होता है जो रेगुलेटरी बॉडीज को सेट कर देती है। और इनफैक्ट पता है तुम एनसीईआरटी में देखना, बुक में एक टेबल बनी हुई है, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो उसमें एक टेबल बनी हुई है, उसमें तुम देखना लेंथ का, मास का, टाइम का, करंट का, इन सब के डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्चुअल में लेंथ क्या है या मास क्या है, किसको मास माना गया, उसमें कुछ कुछ डेटा लिखा हुआ, वो डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ना वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको पढ़ के तुम्हें ये समझ में आएगा कि भाई जैसे लेंथ है 1 मीटर, अब 1 मीटर लेंथ है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज 1 मीटर। तो 1 मीटर जो है लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया वो पाथ है जो कि लाइट 1/299
792458 सेकंड में, वन बाई इतने सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये वो कहलाता है वन मीटर। और ये डेफिनेशन वन मीटर की कब ली गई, 1983 में इसको लिखा गया, माना गया कि भाई वन मीटर आज से दुनिया में ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि वन मीटर वो डिस्टेंस है कि लाइट इतने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, वो कहलाता है वन मीटर। इसी तरीके से तुम देखोगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, मोल क्या चीज होती है, ठीक है, वन मोल क्या है, या वन सेकंड क्या टाइम है, वन सेकंड को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है कि वन सेकंड क्या टाइम होता है। तो आपको ये डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछता है, बस इसको डिफाइन करने का तरीका बताया गया। हाँ, चूंकि बात अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हुई थी, तो अब हम एक चीज बताते हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और बेस क्वांटिटीज थी, तो वैसे ही अब यूनिट्स को भी हम लोग लिख सकते हैं। यूनिट्स भी दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल या बेस यूनिट्स, और एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और डिराइव्ड यूनिट्स के अलावा एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल और बेस यूनिट्स में क्या क्या आएगा, देखो क्वांटिटीज क्या कौन कौन सी है, पहले तो वो देख लो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और लास्ट क्वांटिटी ये थी, वो थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब आप याद कर लीजिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट हमको, इसका हमको यूनिट लिखना है। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, करंट किस में नापते हैं, एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में नापते हैं, मोल में, MOL लिखते हैं उसको, MOLE, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में नापते हैं, कैंडेला में नापते हैं, कैंडेला, सॉरी कैंडेला, ठीक है। तो मीटर एम ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम को केजी लिखेंगे, सेकंड को एस लिखते हैं, केल्विन को के लिख सकते हैं, या फिर केल्विन को हम लोग कई बार थीटा भी लिखते हैं, एम्पियर को ए लिखते हैं, या कई बार हम लोग आई भी लिखते हैं इसको, मोल को MOL लिखते हैं, और कैंडेला को CD लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब डिराइव्ड में आएंगी, और वो जितने भी यूनिट्स होंगे वो सब डिराइव्ड में होंगे, ठीक है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल या फिर सॉलिड एंगल, ये सब हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं। इनके बारे में हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे कि प्लेन एंगल का क्या मतलब होता है और सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है। प्लेन एंगल ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल का रेडियन होता है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है, और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। अगली क्वांटिटी होती है सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री में, उसका होता है स्टेरेडियन। इसे आपको याद रखना है खाली, ठीक है। तो ये है हमारे आज का डिस्कशन। अब इनका ये क्वेश्चन है कि वन मीटर को लाइट की स्पीड में क्यों डिफाइन किया गया, तो फिर वही बात आ गई बेटे, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं उनकी डेफिनेशन है कि इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। हाँ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हाँ, तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ही तो है। प्लेन एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, उसका यूनिट है रेडियन। सॉलिड एंगल क्या है, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट है स्टेरेडियन। क्वांटिटी का नाम है प्लेन।